हाय गाइस, वेलकम टू एफबीए एग्जाम प्रेप। अगर आप क्लैट 2025 के लिए लीगल रीजनिंग वाले सेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो हम आज की क्लास में, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। अब देखो, जब हम क्लैट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो क्लैट आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका एक लॉ एडमिशन टेस्ट है। अब लॉ एडमिशन टेस्ट मतलब कि आपको एडमिशन के बाद आपको पूरे कॉलेज लाइफ में आपको लॉ पढ़ना है। आप अगर जॉब पे जाते हो तो आपको लॉ पढ़ना है, मतलब आप समझ रहे हो, आप प्रैक्टिस में जाते हो या लॉ फर्म में काम करते हो, आपको वहाँ लॉ ही पढ़ना होता है, लॉ सीखना होता है। और इसीलिए आपका जो क्लैट एग्ज़ाम है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन उसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट का है, तो आंसर आपका निकल के आता है लीगल रीजनिंग। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है आपका लीगल रीजनिंग। मतलब आप अगर क्लैट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको कोई अगर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है तो वो आपका लीगल रीजनिंग है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। अब देखो, लीगल रीजनिंग क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है लीगल रीजनिंग है क्या। भाई देखो, जैसे अगर आप बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम देखोगे, कहीं पे आपको दिखेगा लीगल स्टडीज़, जैसे आपका CUT का एग्ज़ाम है वहाँ लीगल स्टडीज़ आता है, आपका MSCT जामिया का जो एग्ज़ाम है वहाँ आपका लीगल एप्टीट्यूड आता है। लेकिन जब हम क्लैट स्पेसिफिक बात करते हैं तो क्लैट में आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपका लीगल रीजनिंग पे बेस्ड होता है। अब देखो, लीगल रीजनिंग क्या है कि आपको लॉ दे दिया गया, आपको लॉ बता दिया गया कि भाई ये लॉ है, और उसके बेसिस पे फिर आपको प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि आपको लॉ पहले बता दिया गया ये लॉ है, उसके बेसिस पे आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है, दैट इज़ द अप्रोच ऑफ क्लैट एग्जाम, कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल कितनी अच्छी है, आपकी लॉ के साथ इंटरप्रिटेशन स्किल कितनी अच्छी है, टू टेस्ट दैट। ये आपका क्लैट एग्जाम है जिसकी आपकी ये रिक्वायरमेंट है। अब देखो, अगर हम लीगल रीजनिंग की तैयारी की बात करें तो आपका जो क्लैट एग्ज़ाम है दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय कंसोर्सियम। अब कंसोर्सियम का क्या कहना है कि आपको लीगल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लीगल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका लीगल रीजनिंग पे अगर पैसे जाएगा, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लीगल रीजनिंग पे मान लो आपका पैसे जाता है, अब एक तो वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने वो लॉ पहले से पढ़ रखा है, अब वो पैसेज पढ़ेंगे, उनके लिए वो लॉ समझना बहुत आसान है क्योंकि दे हैव द प्रायर नॉलेज ऑफ द सेम लॉ, उन्होंने वो पढ़ा है, उनके लिए वो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, दे और लाइक कि हमने ये पढ़ा था, हमें ये क्वेश्चन तो करना है। वहाँ पे क्या होगा, अप्रोच में डिफरेंस आएगा। अब हो सकता है आपके लिए वो पैसेज बहुत आसान हो लेकिन आपने नहीं पढ़ा, आपकी कोई फैमिलैरिटी नहीं है लॉ के साथ, तो आप क्या सोचोगे कि इसको स्किप कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए कंसोर्सियम अपनी जगह ठीक है, दे आर सेइंग कि लॉ आपको नहीं पढ़ना, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप लॉ पढ़ोगे, एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट कि आपको सारी चीज़ें पता है, आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स, आपको स्कूल का एग्जाम थोड़ी है, एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एज लेना होता है अदर स्टूडेंट्स से, क्योंकि सीट्स उतनी हैं, बच्चे इतने कम्पीट कर रहे हैं, आप कैसे किसी को पीछे छोड़ोगे। जब आप वहाँ पे टाइम बचाओगे, आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करोगे, ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ करोगे। उसके लिए क्या है, हमें कुछ बेसिक लॉस पढ़ने होते हैं, हमें कोई सेक्शन याद नहीं करना, हमें कोई आर्टिकल याद नहीं करना, हमें कोई शेड्यूल याद नहीं करना, हमें कुछ भी याद नहीं करना, लेकिन हमें लॉ की लैंग्वेज तो समझ आए। अगर आपको लॉ बता दिया गया, जैसे मान लो आपका प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वेंटली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब वहाँ पे जब इतने बड़े बड़े टर्म्स आएंगे, आप तो वहाँ सोच में पड़ जाओगे, भाई इनका मतलब क्या होता है, यहाँ तो हम एक वर्ड को डिकोड नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई प्रायर नॉलेज ऑफ लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्लैट एग्जामिनेशन। चलो, अब जब हम इसकी बात करते हैं, अब लॉस क्या है, लॉस की जो कैटेगरी है वो बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है, कैसी तैयारी हमारी होनी चाहिए वो भी समझते हैं। अब जैसे देखो, जब हम लॉस की बात करते हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके क्लैट एग्जाम के लिए जो सबसे वेटेज वाला टॉपिक है वो आपका लीगल रीजनिंग है, लेकिन उस लीगल रीजनिंग में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कोई लॉ रखता है तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम जुरिसप्रूडेंस की बात करें, इज़ द ग्रैंड लॉ ऑफ इंडियन लॉ, कि जितने भी हमारे अलग अलग लॉज हैं ना, उनका जो ग्रैंड नॉर्म है, जो उनका ग्रैंड फादर है, जो उनका गवर्निंग एक्ट है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, आपको सभी जितनी चीज़ें एक देश को, एक कंट्री को, एक स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लगती हैं,
वो सारी की सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। जैसे आप कहाँ रहते हो, यू लिव इन दिस कंट्री, नाम क्या है, इंडिया नाम है इसका, भारत नाम है, कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। आर्टिकल 1 आप पढ़ोगे, इट सेज वी इट्स दैट इज प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 आप पढ़ते हो, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब जिस स्टेट में आप रहते हो उसका नाम क्या है, और उसके बाद उसकी सिटीजनशिप हो गया, उसके सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है उनके डायरेक्टिव्स क्या है, ये सारा का सारा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। अब एक तो अप्रोच होती है कि भाई इतना हमें पढ़ना है, और दूसरा है ये कितना इंटरेस्टिंग है। अब आपको देखना है कि भाई आप कैसे पढ़ना चाहते हो। अगर आप वो स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो जिनको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ना है कैसे पढ़ेंगे, सो लॉ इज़ नॉट मेंट फॉर यू। अगर आपको ऐसा देख के, लॉ को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये सर फोड़ने वाली बात अगर आपको लगती है, सो यू आर नॉट परफेक्ट फॉर दिस प्रोफेशन। क्योंकि लॉ क्या है, लॉ इज़ इवॉल्विंग बाय द टाइम। अगर आप देखोगे, लॉ इज़ नॉट अबाउट कि आपने एक बार पढ़ लिया अब लाइफ टाइम वही रहेगा। लॉ इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। लॉ आपका सोसाइटी के साथ चेंज होता है, जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस होती है लॉ चेंज हो जाते हैं। अब अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका लिटिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस प्रोफेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें इंटरेस्ट है इनको पढ़ने में। अब देखो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हमें कितना, अब जैसे आपके लिए क्या है, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, सारे आर्टिकल, सारे पार्ट, सारे आपके जो शेड्यूल्स हैं, प्रीएम्बल्स के वर्ड है, सारा आपको नहीं पढ़ना, बट एटलीस्ट यू शुड नो द टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है, जैसे आपका प्रीएम्बल हो गया, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, प्रीएम्बल हो गया। उसके बाद आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, फिर उसके बाद DPSP हो गए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्रेसिडेंट, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब आप बेसिक बेसिक कर सकते हो, UCOM, फिर उसके बाद आपके इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं, फिर उसके बाद टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब अगर आप ये स्किप भी कर सकते हो इट्स अप टू यू, लेकिन इतना पढ़ के आपको एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस है, अगर आप इतना पढ़ लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, सो प्रोबेबिलिटी इज दैट कि आपको मैक्सिमम, आपको पैसेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे वो आपको समझ आ जाएगा, जो पैसेज आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे आएगा, आप उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे, उसको डिकोड कर पाएंगे, उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। सो दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, DPSP हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, एमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हो गए, इतना मोर देन सफिशियंट है कि आप बस उसकी लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हो गए। उसके बाद आपका टॉट और कॉन्ट्रैक्ट आता है। अब जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपका एक सिविल लॉ का पार्ट है कि दो पार्टीज़ ने आपस में मिलकर कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया ऑन द सेम थिंग इन द सेम मैनर, वो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसको भी समझ लेते हैं। अब देखो, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, आपको पता है ऑफर आएगा, एक्सेप्टेंस आएगी, कंसिडरेशन होगी, तब उसमें जब इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ आती है तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अब वैलिड ऑफर क्या होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती है, वैलिड कंसिडरेशन क्या होती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो इतना सारा डिटेल अगर आप समझ लेते हो, ऑल दो इसको पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो हो जाता है। क्या क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वैलिड ऑफर क्या होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती है, टॉट में आपकी रेमेडीज़ क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें टॉट लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़नी होती, नॉट इन टॉट। जब हम टॉट लॉ की बात करते हैं, ध्यान से समझना इसको, जब हम अब बात करते हैं टॉट लॉ की, टॉट क्या है, टॉट भी एक तरह का सिविल रॉन्ग है। इसका जो मतलब है ना, टॉटम वर्ड से ही आया है, टॉटम का मतलब ही होता है सिविल रॉन्ग, एक सामाजिक गलती, मतलब एक जो सोसाइटी है ना वो आपसे एक रीजनेबल मैन की तरह एक्सपेक्ट करती है आप बिहेव करोगे। जैसे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर आपके बगल में आपका पड़ोसी सो रहा है आप लाउड म्यूजिक नहीं चलाओगे, एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप क्या करते हो, आप लाउड म्यूजिक चलाते हो, आप उसको डिस्टर्ब करते हो, तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या है, ट्रेसपास हो गया, न्यूसेंस हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं टॉट में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गया, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो गया, वैकेरियस लाइबिलिटी हो गया,
इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं आपका लॉ ऑफ टॉर्ट में। इतना अगर आपने सीख लिया, पैसेज आपका लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, राइट। अब ये हो गई बात आपकी लॉ ऑफ टॉर्ट की और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ये तो हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, जो लीगल का जो पार्ट है 50% मतलब हम इसको अब ओवरऑल नहीं कर सकते। क्लैट का पैटर्न बहुत डायनेमिक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से लॉस से, लीगल से आएंगे, लेकिन जनरली आपका ये बैलेंस आपको देखने को मिलेगा कि 40-50% इधर से, 40-50% इधर से। अब देखो यहाँ पे मैंने नोट किया आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। अब आपको लगेगा भाई इंडिया में तो नए पिनल लॉज आ गए, इंडिया में तो नए क्रिमिनल लॉज आ गए, बीएनएस आ गया, बीएनएसएस आ गया, बीएसएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखो हमें आपके लिए बेटर क्या है, क्लैट के लिए आपको कोई सेक्शन याद नहीं करने। अब जो पहले मर्डर था, मर्डर आज भी वही है, जो पहले रॉबरी थी, रॉबरी आज भी वही है, जो पहले थेफ्ट था वही आज थेफ्ट है। चोरी करना बदल थोड़ी जाएगा कि पहले जो चोरी करता था वो चोर है, जिसके घर पर चोरी हो गई वो चोर है, लॉज ऐसे तो चेंज नहीं होते। अब ध्यान से समझो इस चीज़ को। तो हमें केवल लैंग्वेज के साथ फैमिलियरिटी लानी है कि हमें क्रिमिनल लॉ की लैंग्वेज समझ आ जाए, मेंस रिया क्या होता है, एक्टर्स रिया क्या होता है, उसके लिए जो मैक्सिम्स है, जैसे आपका एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंसेट रिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट। तो ये सब हम कहाँ सीखते हैं, ये सब हम सीखते हैं क्रिमिनल लॉज में, आपका आईपीसी, आपका सीआरपीसी, आपका एविडेंस एक्ट में। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ हो गया, सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ हो गया, एविडेंस एक्ट दोनों का मिक्सचर हो गया, जो आपको प्रिजम्पशंस के बारे में बताता है और जो आपको बताता है कौन से एविडेंसेज हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होंगे, कौन से ऐसे एविडेंसेज हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होंगे। ये होगी बात कि हमें क्या क्या कवर करना है इस पूरे लीगल रीजनिंग वाले पार्ट को क्रैक करने के लिए। अब देखो उसके बाद क्या बात आती है। अब देखो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो आपको पैसेज समझ आ जाएगा, उससे आंसर निकालना आप सीख जाओगे। क्या ये सफिशियंट है? आंसर इज नो। आप ध्यान से समझना, अभी तक आप केवल स्कूल के एग्जाम में अपीयर हुए हो, जहाँ पे कोई ये नहीं होता कि आप भी, हो सकता है आपके भी उतने नंबर आ जाए, सामने वाले के भी उतने नंबर आ जाए। अब जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, आपके बगल में जो बैठा है, आपने उससे कम मेहनत करी वो आपको पीछे छोड़ देगा, आप घर बैठोगे वो एनएलयू जाएगा। अब ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे हमें कॉम्पिटिटिव एज कैसे मिलेगा, हाउ वी प्रिपेयर एट हियर, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसके जितने भी पैसेजेज हैं उनको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट समथिंग क्लियरिंग दिस एग्जाम। अगर आप मान लो बिना प्रैक्टिस के एग्जाम देने जाते हो कि हमने पूरा लॉ पढ़ लिया, एग्जाम देने गए, देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कुछ आउटकम नहीं आएगा। तो अगर आप रॉक सॉलिड तैयारी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम आउटकम लेकर के आओ, वो कब आएगी, जब आप सभी के सभी लॉस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, वी प्रिपेयर एट हियर, वो हम उसकी बात करते हैं। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, हम एक लॉ पढ़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके जो आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेज हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। सो दैट इज़ अवर पैटर्न कि हम इस तरीके से तैयारी करते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो वी विल बी कमिंग विद सम मोर अपडेट्स अबाउट दिस क्लैट एग्जामिनेशन, हाउ यू कैन प्रिपेयर ऑल दीज सेक्शंस दैट आर देयर इन दिस एग्जामिनेशन, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, व्हाट आर द अदर एग्जामिनेशन दैट यू कैन लुक फॉर अदर देन दिस क्लैट एग्जामिनेशन। सो वी विल बी कमिंग विद द लीगल एंड द लेटेस्ट अपडेट अबाउट दिस क्लैट एग्जामिनेशन। सो इफ यू वॉन्ट टू बी अपडेटेड ऑन दीज पार्ट्स, you can subscribe to our channel and you can share it with your friends. Thank you so much for watching today's video.